हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं विजिट करने वाला हूँ संजीवन। संजीवन में आपको कैसे पहुँचना है, यहाँ पर क्या टिकट सिस्टम है, ये कौन सा गवर्नमेंट अथॉरिटी का अंदर आता है ये पार्क, आपको यहाँ पर कब कौन से टाइम में विजिट करना है, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हैं मैं आज इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। वीडियो देखते रहना, वीडियो चलते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना। चलते फिर आगे। और ये है संजीवन पार्क की पार्किंग चार्जेस। कार की रेट है घंटे के हिसाब से हमें मैंशनड है, और स्कूटर की प्राइस है घंटे के हिसाब से हमें मेंशन है। बाकी आप वीडियो को पोस्ट पर पढ़ सकती हो, और कॉन्टैक्ट नेम को पर्सन ऊपर मेंशन है नंबर, उससे आप और पूछ के आप इन्फॉर्मेशन और ले सकते हैं। तो हम चलते सीधे संजीवन पार्क। मैं अभी एंटर हुआ गेट नंबर 3 से, और गेट नंबर 3 से एंटर होते ही हमें यहाँ पे दो बोट लेने मिलेगा। ये चेतावली है, और यू आर इनसाइड द नोटिफाइड रिसर्च फॉरेस्ट, एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड प्रिजर्व इट फॉर चिल्ड्रन। और ये है गाइड फॉर संजीवन मैप की गाइड है ये। तो हम अभी कहाँ से एंटर हुआ है, गेट नंबर 3, हम अभी इस प्लेस में, तो हम यहीं से एंटर होते ही अंदर जाऊँगा। तो देखते हैं हम कितना चीज़ से आज एक्सप्लोर कर पाऊँगा इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम ओकला बर्ड सर्जरी किया था, वहाँ पे भी हमें ऐसे ही बोर्ड देखने को मिला था, ऐसे ऐसे सांप आपको इस वो एरिया में मिलेगा, ऐसे आपको इस जो जंगल में भी ऐसे सांप आपको देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे ऐसे रोड में जाओगे तो आपको ऐसा कुछ सांप देखने को नहीं मिलेगा। आपको ये डेंस फॉरेस्ट में, जैसे ये जो जगह है अंदर आप जा रहे हो एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आपको शायद ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा सामने। और यहाँ पर छोटा सा एक झील भी है, और झील भी आपको मैं अभी दिखाऊँगा झील के पास कैसे जाता है। तो झील की पानी इतना अच्छा नहीं है, बहुत गंदा है, तो उसको अंदर पैर भी मत रखो, तो ऐसे ऐसे बीमारी आ जाएगा, जैसे HIV भी आ जाएगा, उतना भी गंदा है। तो वहाँ पे आपको अभी ले जाऊँगा मैं, देखते रहना वो एरिया। तो ये प्लेस है जाने का। संजीवन पहुंचने के लिए जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है आरकेपुरा मेट्रो स्टेशन, और संजीवन की टाइमिंग होता है सुबह 6 से लेकर सुबह 10 बजे तक, और शाम की टाइमिंग होता है आपको 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। वो आपकी अकॉर्डिंगली, आप अगर विंटर की टाइम में आ रहे हो तो आप क्लाइमेट को देख के आना, क्योंकि इतना गर्मी होता है दिल्ली में तो आप अच्छे से विजिट नहीं कर पाओगे, इतनी बड़ी डेंस फॉरेस्ट है तो शायद आपको पसीना भी लग जाता है। तो अगर आप अपना गर्लफ्रेंड के साथ लंच में आ रहे हो, तो आप चिल करने आ रहे हो, तो शायद पुलिस भी आपके साथ चुल करने के लिए शायद हो सकता है। तो मेक श्योर आप शाम के टाइम में विजिट करना, ताकि आप आराम से इस फॉरेस्ट की जो नेचर ब्यूटी देख के आप आराम से वॉक करके, आराम से आप एरिया कवर करके आप आगे जा सकते हो। तो ये है संजीवन की एक्सपीरियंस। ये कोई प्लेस हॉन्टेड नहीं है। हॉन्टेड प्लेस ऐसे होता है जब है अब ऐसे डेंस जगह में आप जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको कोई बचाने भी नहीं है, मतलब आप वहाँ जाके आपको आपके साथ कुछ हो गया तो आपको दिक्कत हो सकता है। एक जगह और दिखाऊंगा रास्ते में। तो मैं आते हुए मुझे जगह यहाँ पे एक रास्ता मिला है अंदर जाने के लिए, तो एक बार मैं जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा यहाँ से जाने से मुझे क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो ऐसे जगह आप कभी मत विजिट करना। अब आप अपना गर्लफ्रेंड के साथ आ रहे हो तो ऐसे जगह विजिट करो तो आपके साथ शायद हॉन्टेड चीज़ से हो सकता है। जैसे अकेले आप जा रहे हो कहीं,
तो आपके साथ कुछ गलत हो गया। तो इसलिए प्लेसेस को हॉन्टेड बोला जाता है लोग। तो ये प्लेस ऐसे हैं, काफ़ी डेंस है ये। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर भी है, आई थिंक ये मंदिर है कुछ, इसके पीछे मंदिर नहीं है, ये कोई मस्जिद है। ये भी कोई पुराना स्ट्रक्चर है, इसमें भी मतलब पूरी तरह से खंडर हो चुका है एरिया। यहाँ पे भी कुछ कब्रें भी है इसके अंदर। ये है एक एरिया संजीवन के अंदर। नहीं मिला। यहाँ पे एक रास्ता है अंदर जाने के लिए, एक बार देख। कुछ नहीं है, खाली खाली पड़ रहा है। एक वो है जाने का, एक जगह है, बट वो जा नहीं सकते। यहाँ से जा सकते हम, कुछ नहीं, ऊपर से नीचे आने का रास्ता है ये। बस ऐसा लगता है कोई मिस्ट्री है इसके अंदर, ऐसे मेहराब जैसा कुछ स्ट्रक्चर है। मतलब यहाँ पे भी है, साइड में भी है, यहाँ पे मतलब ऊपर जाने का रास्ता था वो। मतलब इसके अंदर ऊपर कुछ होगा, वो अभी पूरा कंट्रोल हो चुका एरिया। तो वापस चलते यहीं से। ये जो पार्क के अंदर है ना, बच्चे लोग खेलने भी आता है। ये है मोर पहाड़। एक लास्ट बॉल बची, नहीं अभी तो दो बॉल बची। कराया राहुल। जिसको लाइफ में ट्रैकिंग करनी है, छोटा सा ट्रैकिंग है, ऐसे एडवेंचर ट्रैकिंग वगैरह करना है, तो आप यहाँ आ सकते हो संजीवन में। यहाँ पे एक मोर का पहाड़ है, तो आपको ऐसे ऐसे रास्ता मिल जाएगा। तो कोशिश करना ट्रैकिंग शूज़ पहन के आने के लिए, जैसे वुडलाइन की शूज़, जैसे स्पोर्ट्स शूज़ पहन के लिए कोशिश मत करना। तो आपको ऐसे एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बड़ा कुआं टाइप की जगह है। इसका जो टॉप व्यू है, आपको ये से नज़ारा मिलेगा टॉप व्यू से, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। आप अपना पार्टनर के साथ यहाँ आके बैठ सकते हो, जिसको ज़्यादा ट्रैकिंग करने के लिए मन है, तो उनके लिए परफेक्ट एरिया ये। और यहाँ पे आपको वॉशरूम वगैरह देखने को मिलेगा। वॉशरूम के लिए यहाँ इस साइड आपको महिला के लिए है, इस साइड पुरुष के लिए है, और दोनों साइड में आपको अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर लेना। ये जो पार्क है, अराउंड अभी 5:30 हो चुका है, काफ़ी लोग वॉक करने आ रहे हैं। मतलब जिसको वॉकिंग करना है, जिसको जॉगिंग वगैरह करना है, जिसको साइकिलिंग वगैरह करना है, उनके लिए परफेक्ट प्लेस है ये। आप यहाँ आराम से विजिट कर सकते हो। बट इनको जो सिक्योरिटी गार्ड से मैंने पूछा गया है, मैक्सिमम आप कोशिश करना ये जो प्लेस विजिट कर रहे हो तो 7 बजे के ऊपर मत जाना, क्योंकि यहाँ पे छपरी लोग रहती है, नशेड़ी लोग रहती है, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो चलते आगे। तो काफ़ी टाइम मैंने वॉक करने के बाद मुझे एक साइकिल वाला मिला था,
वो भी पहली बार यहाँ पे एक्सपीरियंस करने आया था। उनसे पूछा, उसने बोला मैं पहली बार विजिट कर रहा हूँ ये एरिया, उनको ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, और बस अपना वो व्यूज एंड एक्सपीरियंस वो भी शेयर किया। बस वो भी पहली बार विजिट कर, उसको ज़्यादा आइडिया नहीं है। ये है एक और यहाँ पे लेक है, मिडवे लेक, और शायद ये होगा मिडवे लेक, मुझे पता नहीं, पूरी जंगल टाइप एरिया है ये। और चलते आगे, और ये प्लेस हॉन्टेड इसलिए बोला जाता है, 7 बजे के बाद ये जो प्लेस में आप विजिट करते हो अपने रिस्क में विजिट करना, फर्स्ट। सेकंड चीज, आप इसी पार्क में 7 बजे के बाद विजिट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे चपरी लोग होता है, नशेड़ी लोग होता है, गंजे लोग होता है, तो वो आपका साम पास में जो फोन्स होता है, आपके पास कैमरा रहेगा या वॉल्ट रहेगा, वो सब छीन के भाग जाएगा। इसलिए एक रीज़न है, इसलिए प्लेस को हॉन्टेड बोल प्लेस बोला जाता है। तो चलते आगे। बीइंग ए साइक्लिस्ट, आपको क्या एक्सपीरियंस है जो संजीवन को लेकर, मतलब लोग बोलता है ये जो प्लेस है हॉन्टेड है और यहाँ पे पूतिया रहता है, सेफ नहीं है, क्या एक्सपीरियंस आपका? सेफ तो बहुत है, मतलब कि अगर आप रात में आते हो 10 बजे वॉक करने, जैसे मैं तो बहुत बार आता हूँ 10 बजे तक, अच्छा 12 AM तक तो ऐसा कुछ नहीं होता, पर अगर 1 AM तक अगर आप यहाँ मतलब करते हो तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ है या नहीं तो मतलब प्रेजेंस फील करता है। हाँ, नहीं तो सिर्फ सुबह सुबह या फिर शाम तक तो बहुत अच्छी जगह है, मतलब आराम से आप इंजॉय कर सकते हो। हाँ। मतलब परफेक्ट टाइम, आप फिर भी कोई नहीं है, आप कभी भी 24/7 ये पार्क ओपन है। हाँ, 24/7 नहीं, शायद मेरे को उतना नहीं पता, बट 2 AM तक बंद हो जाता है दिन में। हाँ, नहीं रात में, रात में 2 AM तक बंद हो जाती है। मतलब यहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग भी होता है रात में? इस साइड वाले में तो नहीं होता, मैरोली पर लाड़ोसरा होने लगता है, वहाँ पूरा ये सब बंद होता है मैरोली साइड में। ओके, ये ओके, थैंक यू। आप कब से आ रहे हो ये जो पार्क में साइकिलिंग करने के लिए? मेरे को हो गया 1 साल। क्या एक्सपीरियंस आपका? ठीक है, बहुत मस्त है, मतलब जगह है, इंडोर जिम है, मतलब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आपका नाम क्या है? शिवांश। ओके, बाय।